सो मैंने व्हाइट पार्ट को सेपरेट बाउल में किया है और येलो पार्ट को भी सेपरेट बाउल में कर दिया है। अब इन्हें अच्छे से हम सेपरेटली मिक्स करेंगे। इन्हें अच्छी तरह से बीट कर लें। सो मैंने व्हाइट और येलो दोनों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो ये मेरे पास जो मिल्क था 3 टेबलस्पून येलो पार्ट में जाएगा और 3 टेबलस्पून व्हाइट पार्ट में जाएगा। इसी तरह ही ब्लैक पेपर और साल्ट, ये भी मैं व्हाइट में डाल रही हूँ और व्हाइट पेपर और साल्ट येलो में। मेरे पास है परमेसन चीज़, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया था, तो ये मैं हाफ इसके अंदर डाल रही हूँ और हाफ ही इसके अंदर डाल दूँगी। अब इन सबको दोबारा से अच्छी तरह बीट कर लें। ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है। आप अब साल्ट को जो है अपने हिसाब से टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मैंने दोनों एग को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इसको करेंगे हम साइड पे। अब ये जो बॉयल चिकन है इसको मैं बारीक स्लाइसेस में काट लूंगी। सो ये मेरे पास है ग्रीन पेपर लार्ज साइज की है, तो इसको मैं हाफ यूज करूंगी। ये काफी स्पाइसी होती है, मैं इसके सीड्स जो है वो अच्छी तरह से निकाल दूंगी और इसको भी बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। कैरेट, ग्रीन चिली और चिकन, इन तीनों को मैंने थिनली बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। सो अब मैं एक पैन लूंगी और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो जब ये गर्म हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। सो व्यूअर्स, पैन गरम हो गया है, तो इसमें मैं अब ये जो मेरे पास था वाइट एग, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। सो व्यूअर्स, जब ये हाफ कुक हो जाए, आपको लगेगा ये हाफ कुक हो गया है, तो इसमें आप चिकन के स्लाइसेस जो हैं वो रख दें मिडल में। अब इसको आप आहिस्ता आहिस्ता टर्न करना शुरू कर दें। येलो वाले एग को डाल दिया है, तो जब ये हाफ डन हो जाएगा तो फिर हम इसको फिर से रोल करेंगे। अच्छा, तो फ्लेम को जो है वो स्लो में रखें, क्योंकि ये स्लोली ये जो है कुक होगा, तो सिर्फ इसको कुक करने में आई थिंक 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो जब ये नीचे से अच्छी तरह से कुक हो जाए तो फिर आप इसको 1-2 मिनट के बाद टर्न कर लें।
तो ये मैंने टर्न कर दिया है, फ्लेम को मैंने अब ऑफ कर दिया है। तो बस इसको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है कि ये टूट ना जाए। सो व्यूअर्स, हमारा एग रोल ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना कलरफुल, कितना ब्यूटीफुल है और खाने में भी बहुत मज़े का है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको ज़रा ट्राई करते हैं और दिखाते हैं कि ये किस तरह का बना है। सो व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग खान कुक बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियोज एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। See you next time.